हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड गैरेज। आज मैं आपके लिए पाइनर के थ्री वे स्पीकर्स ले गया हूँ। थ्री वे कोएक्सियल स्पीकर्स हैं ये हमारे। पाइनर के 10 इंच के स्पीकर्स हैं हमारे, ये ओल्ड स्कूल स्पीकर्स हैं। आज की वीडियो में मैं इनका रिव्यू करूँगा और इसके बारे में आपको बताऊँगा, इनकी साउंड चेक कराऊँगा, इनका प्रॉपर बेस टेस्ट करेंगे हम। तो इसके साथ साथ हम आते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस पे। पाइनर का जो ये वाला हमारा स्पीकर रहेगा, इसका मॉडल नंबर हमारा रहेगा TS8251, यानी कि 2511। और जो इसकी हमारी वॉटेज रहेगी, मैक्सिमम वॉटेज, वो 400 वॉट्स का ये स्पीकर है, जो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रेंज रहती है। आपको एक बार इसका पीछे से ओवरलुक दिखा देता हूँ। स्पीकर आप पीछे से देख ही सकते हैं, इसका साइज़ देख के बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ लगी है मेरे को। और इसकी जो RMS, मैक्सिमम RMS ये जो प्रोड्यूस कर सकता है वो 100 RMS है। बहुत सारे स्पीकर क्लेम करते हैं कि वो 300 वॉट्स के, 600 वॉट्स के, इवन 700 वॉट्स के स्पीकर होते हैं, बट वो होते नहीं हैं। ये ओरिजिनली हमारे 400 वॉट्स के स्पीकर हैं और ये इतने हैवी स्पीकर हैं, इसको हमारी जो कार का हेड यूनिट होता है वो नहीं चला पाता। ये स्पीकर जब भी आप इंस्टॉल करते हैं अपनी कार में, तो आपको एम्पलीफायर लगाना ही लगाना पड़ता। रही बाकी कुछ और स्पेसिफिकेशंस इन स्पीकर्स की, इनकी जो सेंसिटिविटी रहती है वो रहती है हमारी 93 dB। डीबी मतलब डेसिबल, 93 डेसिबल। फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स इन स्पीकर्स का रहेगा 25 हर्ट्ज़ से लेके 3000 हर्ट्ज़ तक, यानी कि इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा लाउड होने वाली है। लाउड आवाज़ के साथ साथ 25 हर्ट्ज़ का मतलब हमारी लो बेस, इसमें लो बेस जो होगी वो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया निकाल लेंगे। एक और इन स्पीकर्स के बारे में आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वाले स्पीकर अपनी गाड़ी में लगाने के बाद आपको किसी भी तरीके का सबवूफर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इनका साइज़ देख ही सकते हैं वीडियो में, काफ़ी डिसेंट साइज़ है, कितने बड़े स्पीकर हैं ये। और इनकी वेट की बात करें तो यूजुअली जो हमारे स्पीकर होते हैं उनसे तो बहुत ही ज़्यादा हैवी स्पीकर हैं और बड़े स्पीकर हैं। इन स्पीकर्स के साथ कुछ ऐसे की ओरिजिनल ग्रिल आती है, इस पे पाइनर की बैजिंग देख सकते हैं आप, ये प्रॉपरली हमारा इसके ऊपर यूँ लग जाती है। और कुछ ऐसे की लुक आएगी हमारे स्पीकर्स की। इन स्पीकर्स की जो सेंसिटिविटी रहेगी वो रहेगी हमारी 93 डेसिबल्स। और जो इसका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा, यानी कि कितनी दूर तक आवाज़ जाएगी, कितनी ये लो बेस वगैरह निकाल सकता है, इसकी 25 हर्ट्ज़ से लेके 3000 हर्ट्ज़ तक का फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। अब हम इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं, बॉक्स में लगा के, एक बिना बॉक्स के चला के। आप अपने रिव्यूज़ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और ऐसे और स्पीकर्स मैं लेके आऊँगा तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, वीडियो स्किप ना कीजिए। स्पीकर्स है जो हमारे, उसको हमने हमारे एम्पलीफायर से कनेक्ट कर लिया। अब आवाज़ तेज करके हम इसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं। मेक श्योर आप जब भी ये कनेक्ट करें पोलैरिटी इसकी बिल्कुल ठीक लगाएं, नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। आवाज़ हम तेज कर लेते हैं थोड़ी।
जो स्पीकर्स हैं आपने इनका आउटपुट देख लिया, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा इसने लाउड साउंड निकाली है, बहुत ही ज़्यादा बेस निकाली है। मेरे को कुछ ऐसा लग रहा था कि मैंने जैसे 12 इंच का सब वूफर ही लगाया हुआ अपने रूम में। मैंने अपने रूम में पर्सनली ये 12 इंच के JBL के सब वूफर लगाए हुए हैं। इसने काफ़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी निकाली है, मतलब अगर मैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ ही मॉडरेट आवाज़ रखता हूँ अपने बोले सब वूफर का, इसने वही आवाज़ निकाली है। और एक चीज़ मेरे को इन स्पीकर्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगी है, इसकी आवाज़ मैंने बिल्कुल मैक्सिमम एक्सटेंट तक खींची हुई थी, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकती थी, बट ये स्पीकर्स ने हल्की सी भी हमारी आवाज़ जो फटी हुई आवाज़, बहुत से स्पीकर होते हैं उनकी आवाज़ फटने लगी थी लाउड साउंड में, इसकी आवाज़ भी नहीं फटी बिल्कुल भी। स्पीकर आप देख ही सकते हैं हमारे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, जो स्पीकर की आपने आवाज़ सुनी है हमारी, ये अनरिपेयर्ड स्पीकर है, आज तक ये रिपेयर नहीं हुआ। जो कंपनी से इसकी साउंड सेट होके ये वही साउंड है इसकी ओरिजिनल। अगर आपको ऐसे और यूनिक स्पीकर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने वो सब डिस्कस किया है कि पोर्टेड बॉक्स, बैंड पास एंड अपना बेस ट्यूब वगैरह में से कौन सा बॉक्स बढ़िया रहता है, किस वे में हमें कौन सा बॉक्स लेना चाहिए। अगर आपको आज की वीडियो में स्पीकर अच्छे लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। और अगर कोई ये स्पीकर्स परचेज करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, या फिर किसी ऑडियो रिलेटेड या वैसे किसी मॉडिफिकेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो आपकी हेल्प कर दूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।